नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बहुत सारी। सबसे जरूरी बात क्या है, सेल चालू हो रही है रात 12 बजे से। आप में से बहुत सारे लोग प्राइम कस्टमर होंगे अमेज़ॉन की, और फ्लिपकार्ट ने भी अब VIP लॉन्च कर दिया है, तो उस पर एक अच्छा खासा डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। जिनको सिर्फ मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट है उनको कुछ बातें बता देता हूँ, आप जा सकते हो। देखो, मार्केट जहाँ खड़ी है आज, मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों कह दिया, क्योंकि पीछे की कहानी अगर रिपीट हो गई तो आप क्या करोगे, क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो चलो पेन आ जाने दीजिए। पेन आ गई, पेन को थोड़ा किनारे कर देते हैं और पेन की टिप ले लेते हैं और आपको बताते हैं। मान लीजिए यही कहानी फिर से बन गई तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, सर आप ऐसे ही मार्केट का एनालिसिस करते हो? देखो भैया, मार्केट में कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाए आपको पता है क्या? देखो, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को अपने फेवर में रखने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं कि हम रिस्क ले रहे हैं 10 रुपये का और टारगेट लगा रहे हैं 5 रुपये का। अगर ये करोगे ना मार्केट में, तो मार्केट आपको बहुत बुरी मार मारेगी। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं, इसलिए निकल जाओ। ठीक है, गेल की बात करते हैं। देखो, ये कहानी हो ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, मुझे डर लग गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए तो सिर्फ गेल में बोला, क्या उसके अलावा भी आपने स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे? अगर किए हो तो भाई एनालिसिस आपके ऊपर है। अगर आपने सही जगह स्टॉक खरीदा है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। मैंने आपको क्या बोला था, आप यहाँ 8% के रिटर्न के लिए जा सकते हो, लेकिन जब 3 ही दिन में ये भाग गया 6%, हमें नहीं चाहिए भाई। हम 8% का रिटर्न एक टाइम फ्रेम आपको बताए थे। यहाँ इस दिन आपको बताया बाजार बंद थी, अगले दिन 3% ऊपर, फिर अगले दिन लगभग 1% ऊपर, फिर अगले दिन लगभग 1.5% ऊपर। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, आप नेट नेट मान लो तो 6% के आसपास का रिटर्न इसने दे दिया। और कुछ चाहिए? नहीं। अब आप कहोगे कि सर सेल भी आ रही है और हमको रिटर्न भी मिल गया, हम खरीदारी करें क्या? नहीं भाई, खरीदारी नहीं करनी है। सेल कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। असली सेल होती क्या है? असली सेल ऐसी होती है जो डावर ने आज दिखाया ना, यही अगर डावर 5-6 दिन कर जाए तो उसको बोलेंगे सेल आ गई। ठीक है, अब डावर को आज मैंने खरीदने के लिए आपको नहीं बोला, लेकिन आप ऐसे स्टॉक्स पे ही तो नज़र बना के रखोगे, तभी तो उसको बोलोगे सेल आ गई। अब आप कहोगे नहीं, हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल की बात कर रहे हैं। तो भाई वहाँ सेल नहीं आती है, वहाँ खेल होता है। और कौन सा खेल होता है आपको बताएंगे। चलिए एक TV आपको दिलाते हैं, आप में से एक लकी विनर को हम ये TV गिफ्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पिछले 3 महीने में ऐसी कोई और TV खरीदा हो। चलो मजाक कर रहे थे इतनी देर तक। हाँ, आप में से अगर किसी को ये वाली TV चाहिए तो बताना ज़रूर। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये TV, पता नहीं मुझे कैसे ये रिकमेंडेशन में आई। मैं सच में कोई इंटेंशन नहीं थी कुछ ढूंढने की, TV भी तो चाहिए भी नहीं मुझे। ठीक है, अभी तो ये बोल रहे हैं 47,000 रुपये 18 महीने दे दीजिए अपने अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड पर और ये TV घर ले जाइए। मैंने कहा है 8.5 लाख की भी TV होती है? पता था होती है यार, लेकिन पहली बार दिखी अमेज़ॉन पर। मैंने कहा चलो देखते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, जो लोग उनको ख़रीदते हैं उनका माइंडसेट कैसे होता है। और अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा रिव्यूज़ और आपको आने वाला है मज़ा, आपकी आंखें भी खुलेंगी और आप कहोगे अरे बाप रे, सेल है या खेल है? तो थोड़ा सावधान रहा कीजिए, मैं आपके सामने अब क्या लेकर आ रहा हूँ, रिव्यूज़ को। चलो भाई एक मिनट, रिव्यूज़ हेलो यहाँ पर है। ठीक है, देखो रिव्यूज़ क्या क्या हैं, और सब ने 5-स्टार रिव्यू किया हुआ है। आई डोंट नो ये 5-स्टार का रिव्यू आता कहाँ से है। और आपने वहाँ पर देखा हो तो अमेज़ॉन चॉइस लिखी थी। मैं बहुत भरोसे के साथ वो सामान खरीद लिया करता था जिसमें अमेज़ॉन चॉइस लिखी होती थी, लेकिन अब भाई भरोसा उठ चुका है। मैं आपके सामने ये रिव्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ, आपको भी मज़ा आए। ठीक है, तो पहला रिव्यू यहाँ पर है, ये अच्छा इनका रबड़ यूज़ होगा क्या? रबड़ नहीं रबड़। ठीक है, तो अभी पेन ले लेते हैं। देखो सब कुछ ठीक है पर मेरी औकात से बाहर है अभी, और शायद फ्यूचर में खरीद पाऊँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिव्यू है लेकिन औकात से बाहर है, इनको रिव्यू करने की परमिशन किसने दी? आप चेक करना, 17 सितंबर को ही ये रिव्यू दिया गया है। चीप एंड वैल्यू फॉर मनी लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल TVs इन द मार्केट, जस्ट गो फॉर इट विथ योर आईज क्लोज्ड, यू वुडंट फाइंड अ बेटर डील दैन दिस। इससे अच्छी आपको TV, इससे अच्छी आपको डील नहीं मिलने वाली, स्पेशली सेल में। एक्सट्रीमली चीप, बस 11 लाख की है। देखो 11 लाख की तो बिना सेल की थी, 8.5 लाख में आपको मिल रही है सेल के साथ, तो सेल में आप खरीद सकते हो 8.5 लाख में। चीप प्राइस, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, हैप गेमिंग फीचर, बेस्ट फॉर बजट गेमिंग TV, अफोर्डेबल भी है, नो
नॉट देयर आर नो कॉन्स, हाँ नो देयर आर नो कॉन्स, दिस टीवी लोडेड विद टन्स ऑफ फीचर्स एंड द प्राइस इज ओनली 11 लाख, बेस्ट मिडिल क्लास टीवी, मिडिल क्लास टीवी है, बेस्ट मिडिल क्लास टीवी। वैसे आई डिडंट यूज इट सो आई डोंट नो। अब सोचो ये लोग रिव्यू कहाँ से कर रहे हैं यार, आप में से कोई बताए। और इसको देखो इतने सारे लोगों ने हेल्पफुल भी दिया हुआ है, और ये प्रॉपर अमेजोन पे प्रोडक्ट है, मैं कोई फर्जी आपको बात नहीं बता रहा हूँ। आप जाकर के टीवी का नाम डालना, आपको पता चलेगा। आई डिडंट यूज इट सो आई डोंट नो ऑफ इट्स गुड और बैड, आई जस्ट नो दैट इट इज़ वेरी सस्ता। ओ इट इज़ वेरी सस्ता, जस्ट गो फॉर इट, आई गिव यू कॉन्फिडेंस, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ फॉर सेलिंग योर हाउस एंड बाइंग दिस। मतलब क्या क्या मज़ेदार बातें, मज़ेदार बातें। एक 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 और है, एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। किडनी वाला कहाँ गया भाई, ये क्या आ गया, ये जादू वादू कहाँ से आ जा रहा है यार। भाई मुझे माउस दे दो भाई, माउस, हेलो माउस, एक मिनट यार। अच्छा मेरा माउस चालू है, आई डोंट नो ये जादू कहाँ से हो गया। इससे ऐसे आते हैं, सो अभी आप देखो, आई डिडंट यूज दिस, मैं जानता नहीं, ये सस्ता तो है, घर भर बेच के आप इसको खरीद सकते हो। और फिर ये आता है अल्टीमेट कमेंट, वेरी कमेंट नहीं है, रिव्यू है, वेरी वेरी सस्ता, गो फॉर इट, सेल योर वन किडनी एंड बाय इट, रियली सुपर टीवी। हाँ इतनी सुपर है कि आप एक किडनी बेच करके भी इसको चाहो तो खरीद सकते हो। सो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ऐसी सेल्स में हमको आपको पागल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप वीडियो बंद करके जा सकते हो। बहुत ध्यान से देखिए, हर कोई आपको ये बताएगा कि आपको टीवी खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, टीवी नहीं है यार, कुछ भी, टीवी टीवी करके हम टीवी पे ही आ गए। कोई भी सामान आपको बाई कर लेना चाहिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर के पास आप जाओगे वो आपको बताएगा बेस्ट मोबाइल, बेस्ट ये, बेस्ट वो, बेस्ट धमाका, बेस्ट फलाना, ये वो, खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, वो आपको बताएंगे बेस्ट। मैं आपको बताऊंगा ना बेस्ट के चक्कर में पड़ो, ना वर्स्ट के चक्कर में पड़ो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। भाई फ़ोन आपके कितने साल पुराना है, कोई बताएगा 2 साल 3 साल 4 साल, मैं 5 साल पुराना है फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी वो कमाल का चलता है। कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि आपका फ़ोन लंबे समय तक कैसे टिके, लेकिन वो बातें कभी और करेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल बाद फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, ये वीडियो छोड़ के जाओ, सच में बेवकूफ़ हो, महा बेवकूफ़ हो, निकलो, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे लोग आपके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए वो इन्फ्लुएंसर्स बने हैं जो आपको अपना एफिलिएट लिंक दे करके बोलेंगे खरीदो, ये है बेस्ट, ये बेस्ट। और बेस्ट तो भाई आज मैंने कोई चीज़ लॉन्च करी, 5 दिन बाद मैं कुछ लॉन्च करूँगा, कुछ ना कुछ उसमें ट्विकिंग कर दूंगा। जैसे आईफोन 16 आ गया ना, किसी काम का है, किसी काम का नहीं है, क्यों 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 कोई खरीद रहा है, क्योंकि लोग पागल है, ये जनरेशन पगला चुकी है। और स्पेशली ऐसी कंपनियाँ देखो यार, ये टॉक्सिक यहाँ पर दिखाऊँ, ये टॉक्सिक शो ऑफ है। क्यों ये टॉक्सिक शो ऑफ क्यों है, क्योंकि एक कोई दिखा दिया और अब तो आईफोन को छपरी स्टाइल बता दिया गया है। बहुत अफसोस होता है यार, बहुत अफसोस होता है, कुछ प्रोडक्ट्स इनके सच में अच्छे हैं एप्पल के, लेकिन जब छपरियों के पास देखता हूँ ना दिमाग ख़राब हो जाता है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, खुद मतलब उस जो लोगो होता है उसके ऊपर कुछ और चिपका के यूज़ करनी पड़ती है डिवाइसेस, इतनी तकलीफ़ होती है, सच बता रहा हूँ। तो बच के, और सिर्फ आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम रेंज आपको बताएंगे, 5 से 10 हज़ार में ये खरीदें, 10 से 20 हज़ार में ये खरीदें, ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं क्यों खरीदूँ, मैं क्यों देखूँ, आप देखो ही मत, और अगर देखो तो इतना कंट्रोल लाओ ना। और हमारी आपकी सेल अभी नहीं आई हुई है, हमारी आपकी मार्केट अभी बहुत इन्फ्लेटेड है, यहाँ पर आप पैसे नहीं डाल सकते, ठीक है, किसी भी चीज़ में। और अगर बहुत सेल करने का मन कर रहा है तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं तो 10 हज़ार रुपये का सामान खरीदना बस। आप कहोगे ये कौन सी लॉजिक है सर, हाँ भाई 10% ही अपने एंटरटेनमेंट और शो ऑफ के लिए खर्च करना चाहिए, फाइनेंस का लगभग लगभग ये एक रूल है, और उससे ज़्यादा खर्च करोगे आप मूर्ख हो, मूर्ख मतलब फूल, हिंदी वाला नहीं अंग्रेजी वाला फूल। तो बच के, और ये भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन मैंने आपको बता दी, 2-4 हज़ार खर्च करो उतना काफ़ी है, ठीक, और ज़रूरत क्या है यार खर्च करने की, खाने पीने की चीज़ें खरीदो, अच्छी चीज़ें खरीदो, अच्छी चीज़ें ज़्यादातर ऑफलाइन मिलती हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ सही डील आपको सच में दिख रही हो, किसी चीज़ की ज़रूरत आपको सच में लग रही हो तो ले लेना, मम्मी पापा के लिए कोई फ़ोन ख़रीदना है वो ले सकते हो, हाँ किसी को छोटा मोटा गिफ्ट देना है तो वो दे सकते हो, बड़ा गिफ्ट किसी को देना मत भूल करके, क्योंकि गिफ्ट का भरोसा हो ना हो सामने वाले इंसान का तो कोई भरोसा नहीं होता है, तो थोड़ा अलर्ट रहना, ये सब सेल के ड्रामे हैं,
बच के रहना है आपको, आपके साथ एकदम फोमो क्रिएट किया जाएगा, एक घंटे में खरीदो नहीं तो गया, और पहले से ही सेल प्राइस लाइव कर दिए हैं, क्योंकि डिलीवरी में दिक्कतें आती हैं अचानक से जब ढेर सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। आपको बताऊँ, एक ज़माना था जब मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था, मैं सोचता था यार जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है उनकी तो मौज होती है, 10% का ऑफ़र मिल जाता है और फिर वो मज़े कर लेते हैं। मैं भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाता था, मुझे वो 10% का ऑफ़र नहीं मिलता था, मैं सोचता था यार 5,000 का सामान मंगाया, 500 रुपये मुझे वापस मिल जाते, कितनी बेस्ट चीज़ थी। लेकिन ये एक ट्रैप होता है, और फिर मुझे बाद में पता चली कि ये जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं ना, आपके साथ खिलवाड़ करके अपना पैसा बनाते हैं, ऐसे ही आपको ओवर बॉट टेरिटरी में हमेशा रखना चाहते हैं। जैसे मार्केट अभी है ना, ये आपको आपके पर्सनल लाइफ में एकदम वहीं रखना चाहते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, खरीदो भाई, खरीदो खरीदो, और ये आपको पागल बनाते हैं, पागल, सच में लिटरली आपको पागल ही बनाते हैं। आप नहीं समझ पाओगे आपके दिमाग पे किधर से हमला हो रहा है। तो 4 लोगों से पूछना, स्पेशली अपने मम्मी पापा से पूछना, ये मैं खरीदूं क्या, और खुद से भी एक रेशनल अप्रोच लेकर के पूछना कि यार मैं 1,00,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, मैं 1,00,000 रुपए का क्यों फ़ोन खरीदूँ। मैं तीस दिन आठ घंटे अपने आप को किसी काम में झोंकता हूँ। अब आप कहोगे सर हमको 5 दिन की और 10 दिन की छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलती है, कितने लोग कितना फ्री होते हैं वो मुझे पता है, लेकिन 30 दिन 8 घंटे आप सर पटकते हो, चलो मान लें 20 दिन 8 घंटे आप सर पटकते हो, 160 घंटे की कीमत जानते हो, सोचो। और उसके बाद आप उतने ही पैसे का एक फ़ोन खरीद लेते हो जो कोई नॉर्मल बंदा सिर्फ अपने 10 घंटे की मेहनत से खरीद लेगा, आप ही के बराबर की इनकम करने वाला। अब आप कहोगे कि मैं होशियार हूँ क्योंकि मैंने महंगा फ़ोन खरीदा। नहीं भाई, आप मूर्ख हो, सही जगह पैसे लगाओ। आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ ना, कितने का पोर्टफोलियो है तुम्हारा, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, वो दिखाओ। वो एक एंगल से शो ऑफ होगा, सामने वाला मोटिवेट भी होगा, यार ये मेरे जैसी नौकरी करके ये 50 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया 5 साल में और मैं क्या कर रहा हूँ, या 5 लाख का ही पोर्टफोलियो, चलो आप कहते हो, मैं कहता हूँ 1 लाख का आपने पोर्टफोलियो बना लिया, और कोई बंदा है 0 पे खड़ा है, आप बहुत आगे हो उससे, आप बहुत 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 आगे हो। अगर 5,000 की SIP करेगा ना, 20 SIP उसको लगेंगी यहाँ सिर्फ इस प्राइस पे पहुँचने में, और तब तक आप इससे बहुत आगे निकल चुके होंगे, हो सकता है आप इसको भी डबल कर चुके हो। तो पोर्टफोलियो बनाना चालू करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी खरीद लो, स्मार्ट SIP वाली वीडियो कब काम आएगी, ये सब काम करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़रूरत नहीं है, आप फर्जी खरीदारी करोगे। मैंने भी करी हुई है, मैंने भी गलती करी हुई है। आपको बता रहा था कि एक ज़माना था मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, अभी मैं 14 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से यूज़ करता हूँ, 7-8 डिफरेंट कंपनियों के, अब आप सोच के देखो। और उसके बाद भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आप कहोगे कि आप तो ले लिए, नहीं भाई, होता है ना कुछ चीज़ें झटका खाने के बाद पता चलती है, और मुझे वहाँ वो लोग झटका नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने अगर कुछ चीज़ अपने साथ करी है तो ये कि सेल्फ कंट्रोल लाने की पूरी 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 कोशिश करी है कि नहीं, हम जाएंगे ही नहीं लेने, हम देंगे ही नहीं, ले लो, अपने आप तो बाइंग हो नहीं जाएगी, ले लो, हमको खरीदारी करके दिखा दो। आप कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ, जाने दो उसकी, नहीं मैं लिमिट का सिर्फ 2-3% ही यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। मतलब बेस्ट के सिनारियो में 5% चला जाए, उससे ऊपर जाने ही नहीं देना, नहीं जाने देना। अब आप कहोगे सर हमारी लिमिट ही 50,000 की, हम 2,500 की खरीदारी करें। नहीं भाई, शुरुआत में लिमिट कम होती है तो थोड़ा उसको बढ़ने दो, लेकिन एक बारी लिमिट ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद 5% से नीचे ही रहो, वो बेस्ट है। 10% अल्टीमेट है, जो मैंने यहाँ पर बताया था ना, वो अल्टीमेट बात है। उसके ऊपर अगर आप कर रहे हो फर्जी चीज़ों पर खर्चा, हो हल्ला चीज़ों पे खर्चा, ड्राई फ्रूट निकलने वाला था उसको बोलते हैं फास्ट फूड पे खर्चा, तो आप बेवकूफ़ हो। आप मूवी देखने पे 10% से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आउटिंग पे 10% से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ाने में 10% से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो, महाबेवकूफ़ हो, और करते रहो। आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, जिनको वीडियो से झटका लगा हो ये सर आप ये बेवकूफ़ क्यों बोल रहे थे, तो भाई देखता हूँ लोग पागल हैं, मतलब ऐसे सामने दिख जाते हैं, एकदम 50,000 की तनख्वाह, 50,000 का फ़ोन लेके खड़े हैं, बदतमीज हो तुम। और जो पहले गलती कर चुका है उनके लिए एक चेतावनी है, अगली बार आप पोर्टफोलियो बनाओगे 15,000 के फ़ोन बहुत अच्छे हैं, मैं जो 5 साल से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ 13,000 कुछ रुपए का था, कभी दिखाऊंगा, आप ही लोगों के साथ हूँ, आप ही को दिखाऊंगा, सिर्फ 13,000 कुछ रुपए का फ़ोन है, आज भी उसकी टक्कर में बहुत कम फ़ोन टिकते हैं। अब आप कहोगे कैसे, मैं गेम नहीं खेलता, लेकिन जो स्पेक्स आप देखो
और फ़ोन को तरीके से यूज़ करोगे ना तो लंबा टिकते हैं। और बात सिर्फ फ़ोन की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही धड़ल्ले से बहुत बिकेंगे, हर चीज़ बिकेगी, लैपटॉप्स भी बिकेंगे, उसमें भी आपके साथ अरे ये हो गया, नई जनरेशन आ गई, i7 ले लो, i9 ले लो, राइजन 7 ले लो, राइजन 9 ले लो, कुछ भी बिकेगा, कंपनी आ जाएंगी। भाई एप्पल का कोई M1 लैपटॉप है 50,000 में सेल में बिकेगा, लोग उसको खरीद रहे हैं, 5 साल पुराना है, 2020 में लॉन्च हुआ था, 2024 ख़त्म होने वाला है मान लो, ठीक है, 2020 की चीज़ लोग 2025 में जा कर के यूज़ करेंगे, इतने बेवकूफ़ हैं। और सोचो 5 साल में प्रोसेसर में क्या से क्या चीज़ें पलट चुकी हैं, आप नहीं जानते हो। कोर i7 जो 12th जनरेशन का था उसको कोर i3 13th जनरेशन का आकर के टक्कर देने लगा कुछ मामलों में, और कोर i5 तो बिल्कुल उसको पछाड़ ही दिया है। कोर 12th जनरेशन से 13th जनरेशन में बहुत भयंकर शिफ्ट हुआ है, और आप जा करके 5 साल पुराना क्योंकि एप्पल का लोगो दिखाना, आप बेवकूफ़ हो। तो बच के, और अगर आप को लगता है आप किसी गलत डील में ना फंस जाओ तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, हमारे प्रतीक भैया बहुत जानकार हैं इन सब चीज़ों के, आपको सारी जानकारी देंगे वो, मतलब आप बताना कि ये ले ले, वो आपको तुरंत बताएंगे नहीं भाई लेना ही नहीं है, पूरी रिसर्च एनालिसिस करके बैठे रहते हैं। किसी को कुछ भी खरीदना होता है टीम मेंबर्स में डायरेक्टली उन्हीं से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, अभी तो व्हाट्सएप वही हैंडल कर रहे हैं, तो आप मैसेज करना वो आपको रिप्लाई देंगे कि ये वाला लैपटॉप खरीद लें, वो आपको बताएंगे। और भी कोई सवाल सुझाव तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको मना नहीं किया हूँ ख़रीदारी करने से, लेकिन अगर आपने बेवकूफ़ी करी तो मेरी वीडियो दोबारा देखने मत आना यहाँ पर, ठीक है। जो भी 150 लोग देखते हो, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी करो तरीके से करो, स्पेशली पैसे के टर्म्स में। हमारी आपकी सेल अभी चालू नहीं हुई है, जब चालू होगी मैं बता दूंगा, सेल आ गई है भैया, खरीदारी थोड़ी थोड़ी करना चालू कर दो। वहाँ पर भी ये नहीं बोलता हूँ सब खरीद लो जाकर के सारे पैसे उड़ा दो, नहीं भाई, हर चीज़ हम स्टेप्स में करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है स्मार्ट SIP के लिए पैसे इकट्ठा करो, पोर्टफोलियो नहीं बनाया है बनाना चालू करो, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लिया नहीं, 1 लाख का 50,000 का फ़ोन लेके टहल लो, बेवकूफ़ हो, टर्म इंश्योरेंस खरीदा क्या? नहीं, हम 35 साल में खरीदेंगे, 50 साल में खरीदेंगे, मरने से पहले खरीदोगे, जस्ट कल मरना है, आज खरीदोगे टर्म इंश्योरेंस, तो ये थोड़ी करना है अपने साथ, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो, 5,000 का बनाओ, 50,000 का बनाओ, 5 लाख का बनाओ, 5 करोड़ का बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, चालू करो पोर्टफोलियो बनाना। और ऐसी मार्केट में इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्कुल मत बनाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट को ठंडा होने दो, उसके बाद जब हमारी सेल चालू होगी मैं आपको ढेर सारी और बातें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही यार, मैं आपको यही चीज़ें समझाना चाहता था, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में बिल्कुल पड़ना मत, रिव्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल पड़ना मत, अपनी सारी कंडीशंस सारी चीज़ें देख लेना, जो लोग सच में उसको यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करते हुए अगर किसी चीज़ को देख लो उसके बाद खरीदोगे वो ज़्यादा बेटर चॉइस होती है। हर मामलों में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें जो हेल्दी हैं आपकी बॉडी के लिए उसको आप खरीद सकते हो, खाने पीने की चीज़ों पे ठीक ठाक पैसे खर्च करने चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कहीं उड़ाओगे आप बेवकूफ़ हो, दोबारा मेरी वीडियो देखने मत आना। अभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे, पैसे बचाओ, नमस्कार।